Graphical representation of data, the next topic of the chapter is statistics. There are three types of graph: bar graph, histogram and polygon. First, the bar graph. What is the bar graph? Bar graph is a pictorial representation of data in which bars are of uniform width and equal spacing between them on one axis. One axis means x-axis, and depicting the variable. The values of the variable are shown on the other axis, y-axis. देखिए बार ग्राफ कैसे बनता है. यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस पर वेरिएबल लेते हैं. वेरिएबल मीन्स सपोज कोई भी चीज हो सकती है, ईयर भी हो सकती है, तो डिफरेंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं. और जो वैल्यूज होती हैं वो हम लोग वाई एक्सिस पर लेते हैं. और बार कैसे बनते हैं, किसमें कितनी वैल्यू है, वन बार, इस तरीके से. दीज आर द रेक्टेंगल सेपरेटिंग विद इक्वल स्पेस. ये स्पेस इक्वल रहता है, इनसे अलग अलग बनाए रखते हैं. ये होता है बार ग्राफ. देखिए मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ और एक एग्जांपल लेकर उसका बार ग्राफ बना रहे हैं. आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल. द फॉलोइंग डाटा गिव्स ए नंबर्स इन थाउजेंड ऑफ एप्लीकेंट रजिस्टर्ड विद एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ड्यूरिंग 2005 टू 2010. दिस इज ए ईयर 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 19, 21, 23, 30, 36, etc. The question is construct a bar graph to represent the above data. Okay. नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 2006. नेक्स्ट इज 21. वी गेट हियर आप दो खाने आगे कर देंगे क्योंकि मैंने 10 जो ब्लॉक्स हैं वो 5 के बराबर लिए हैं. तो एक खाना कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर. तो हम लोग यहां पर एक बार डालेंगे ऑफ वैल्यू 21. नेक्स्ट इज इन 2007 इज 23 मीन्स 6 खाने आगे, यहां तक जाएगा 23. तो हम लोग इसको निशान लगा के और एक बार बना देंगे. दिस इज ऑफ 23 और ऊपर से ज्वाइन कर देंगे चार खाना छोड़ करके क्योंकि 25 है. नेक्स्ट है 30. सीधा हमको 30 तक ले जाना है यहां पर. नेक्स्ट है 32 जस्ट 4 ब्लॉक आगे. दिस इज ए 30 एंड द इन लास्ट 2010 इज 36 जस्ट 2 आगे. इन दिस
ये बार बन गए हैं, कंटिन्यू दिख रहे हैं आपको, इक्वल स्पेसिंग पर है। और यहां पर हम लोग लिख देंगे ईयर, ये क्या है ईयर, ये आगे जा रहा है एक्स एक्सिस पे ईयर। और यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन थाउजेंड्स। ओके, ये किस में काउंट हो रहे हैं, इन थाउजेंड्स। यहां लिख भी सकते हैं ऑन वाई एक्सिस, स्केल लिखना होता है ऑन वाई एक्सिस, वन सी एम इक्वल टू 5000। हम लोग क्या ले रहे हैं, फन सी एम इक्वल टू 5000। ओके, दिस इज अ बार ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट फ्लोटिंग सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स विद क्लास इंटरवल एज बेसिस, क्लास इंटरवल बेस में लेना है, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द करस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज एज हाइट अलोंग द वाई एक्सिस, देयर बींग नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल। वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर आपको क्लास इंटरवल लेना है, यहां पर हमेशा क्या लेंगे, क्लास इंटरवल, और इधर ली जाएगी फ्रीक्वेंसी। ओके, और ये क्या होता है कि कंटिन्यू जुड़े हुए आते हैं, क्योंकि ग्रुप्ड डाटा होता है, कंटिन्यूस डाटा में ही बनता है आपका हिस्टोग्राम। इस तरीके का हिस्टोग्राम दिखेगा, एक्स एक्सिस पे क्या लिए, क्लास इंटरवल्स, और वाई पर ये देखिए, एक एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ, बना के दिखाऊंगी। दिस इज ए एग्जांपल, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाइट्स इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। द क्लास इंटरवल देखिए, देखिए 150 to 153 कंटिन्यूस है, कहीं कोई गैप नहीं है। दिस इज ए एक्सक्लूसिव फॉर्म। अगर आपका क्वेश्चन एक्सक्लूसिव में नहीं है तो पहले आप इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया है कैसे चेंज करते हैं, तब आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो 156 to 159 to 162 एंड सो ऑन। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स दिस इज द फ्रीक्वेंसी 7, 8, 14, 10, 6, 5 आई एम ड्राइंग हियर 11। ओके, सो सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्टोग्राम। ऑफ हिस्टोग्राम ऑफ द अबव क्वेश्चन, फर्स्ट वी टेक द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इन द स्केल वी हैव द गेट 20 to 24, क्लास इंटरवल 20 to 24, जस्ट इट इज जीरो, मेक ए किंक इफ वी टेक ए डायरेक्ट वैल्यूज 24। नेक्स्ट इज 24 to 28, देखिए हमको लेना है यहां पर, हमको ये जीरो है, और लेना है हमको 150 to 153, तो यहां पर 150 और यहां पर 153। अगर डायरेक्ट हमको 150 पे जाना तो एक किंक लगाते हैं, और उसके बाद आगे के क्लास इंटरवल लिखते जाएंगे 156 159, नेक्स्ट इज 162 165 एंड 168 एंड 171 एंड सो ऑन। एंड द वैल्यूज गिवन है, ये तो हाइट है इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर। एंड ऑन द दिस साइड वी गेट इट 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लोग सीधा लिख के, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या दिया हुआ है हमको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमको हिस्टोग्राम बनाना है, तो मेरे 150 to 153 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 7। ओके, तो नाउ 7, टेक 7 हियर। हिस्टोग्राम क्या है, कंटिन्यूस, जैसे बार ग्राफ को हम लोग अलग अलग बार बनाए हैं, इसमें क्या बनेगा, कंटिन्यू। तो फर्स्ट हमने 7 बना दिया, नेक्स्ट 153 to 156 is 8, तो जस्ट 7 हियर इज द 8, इंक्रीज 1, दिस इज द 8 एंड दिस, एंड द थर्ड 14 मीन्स 10 11 12 13 14, मेरे पास जगह नहीं है, मैं जस्ट एवर बना देती हूँ उसको, 14 को हम 12 मान लेते हैं या 11 मान लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको बड़ा ग्राफ नहीं लिया, मुझे जैसे 14 चाहिए था तो हम लोग इसको 14 तक ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
आप लोग बना सकते हैं 10. नेक्स्ट इज 10. यहां से 10 पर लेंगे और इसको 10 ड्रॉ कर देंगे. ओके एंड द 6 5, सिक्स, ये 6 है और यहां पर ज्वाइन करेंगे. और उसके बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल 5, ये 5 यहां लिखा हुआ है और 5 से ही इसको लेंगे. दिस इज ए हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ में डिफरेंस पता चल गया. बार ग्राफ में अलग अलग बार बनते हैं और हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस जुड़े रहते हैं. दिस इज ए हिस्टोग्राम. नाउ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. द थर्ड ग्राफ इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी आर मार्क्ड अगेंस्ट द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. देखिए अगर इसमें क्लास इंटरवल दिए हैं आपको और फ्रीक्वेंसी दी है, लेकिन ये जो ग्राफ बनता है वो क्लास मार्क पर बनता है. किस पर बनता है? क्लास मार्क पर. अब इसके दो तरीके हैं, या तो एक पहले हिस्टोग्राम बना के तब बनाए या डायरेक्ट क्लास मार्क पर. तो जब क्वेश्चन कहता है कि हिस्टोग्राम भी बनाइए पॉलीगन, तो हमको हिस्टोग्राम बना करके ही बनाना है और नहीं तो डायरेक्ट. तो देखिए सपोज मैंने क्लास इंटरवल 0 to 10 एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. एंड द फ्रीक्वेंसी इज ये है. तो पहले हम लोग क्लास मार्क देखेंगे 5 15 25 35. अब इसका पॉलीगन बनाना है, कैसे बनाएंगे? एक्सेसिस पे तो हम लोग क्लास मार्क लेते हैं 0 10 20 30 40. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है. अब यहाँ पर मुझे 9 तक लेना है, तो आप जैसे भी चाहें स्केल आपको ठीक लगे 6. अब 0 to 10 5 है, तो क्लास मार्क कहाँ है? 5. तो हम लोग यहाँ पर 5 पर 5 ले सकते हैं दिस पॉइंट. 15 7, दिस हियर इज द 15 एंड द 7. 20 to 32, यानी 25 पर मिड वैल्यू में लेना है क्लास मार्क पर 2. एंड द 30 to 40 इज 9, इट मीन्स 9. किस पर लेंगे? 35 पर, और इसको ज्वाइन कर देंगे. तो हमारा क्या बन जाएगा? ये पॉलीगन. और अगर हमको बनाना होता इसका हिस्टोग्राम बना के, तो हम लोग पहले हिस्टोग्राम बना लेते इस तरीके से और उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. ओके सी इन द एग्जांपल. द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑफ द 100 ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9. दिस इज अ क्वेश्चन 0 to 20. मैं इसका बनाऊंगी मार्क्स 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100. द नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 12 15 5 एंड 2. ओके नाउ सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन. कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. जस्ट फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सपोज दिस इज ए y एक्सिस. यहाँ ओरिजिन हमेशा रहता है, ये x और ये y. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको लेना है मार्क्स 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 80 एंड 80 to 100. देखिए पॉलीगन बनाने के दो तरीके हैं, एक हिस्टोग्राम बना के उसकी मिड वैल्यू निकाल सकते हैं और दूसरा डायरेक्ट क्लास मार्क मिला के. तो हम लोग पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे. अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है मेरी 15 तक, तो हम लोग यहाँ ले लेंगे 2 4 6 8 10. यहाँ ऐसा लेते हैं जो हमारा इजीली कंस्ट्रक्शन हो जाए 6. ओके तो नाउ दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और दीज आर द मार्क्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 0 to 20 get 6 students. Here is the 6, join 6. First अगर हमको हिस्टोग्राम बना के बनाना है तो पहले हिस्टोग्राम बना लेंगे जैसे अभी सीखे हैं 6. Next 20 to 40 is 12. Here is the 12. 20 to 40 marks कितना स्टूडेंट लाया है? 12. फोर्टी टू सिक्सटी 15.
The next is 5. 5 is here. And the last 80 to 100, only 2 students. Okay. तो ये हमने क्या बना दिया, हिस्टोग्राम। अब इसका पॉलीगन बनाना है, तो पॉलीगन हमेशा कहाँ बनता है, क्लास मार्क पर। तो जस्ट वी टेक द मिड पॉइंट ऑफ दिस 0 to 6 क्लास मार्क, 0 to 20 का क्या होगा 10 पर पॉइंट लगाए, 20 to 40 30, 40 to 60 50 क्लास मार्क, 60 to 80 70 एंड 80 to 100 इज 90। ओके, एंड जस्ट ज्वाइन दीज पॉइंट्स। इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने से हमको क्या मिलेगा, पॉलीगन। थोड़ा आप लोग सफाई से कीजिएगा, ये और ये, दिस इज द पॉलीगन। ओके, दिस इज नोन एज द पॉलीगन। और अगर हमको डायरेक्ट क्लास मार्क पे बनाना होता तो हम लोग सिर्फ क्लास मार्क पर पॉइंट आउट करते और उसको बना देते हैं। ओके, समझ गए पॉलीगन कैसे बनाना है। ओके.